झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात के कई जिले पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में उमस भरी गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा में आज 16 जुलाई को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। इस दौरान दिन में बादल छाए रहेंगे और राजधानी में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई शहर बारिश का अलर्ट वहां जारी किया गया है। वहीं भोपाल शहर में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बारिश यहां भी आज हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक राज्य में 102 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते हालात खराब है। NDRF की 14 और SDRF की 6 टीम को राहत एवं बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। वहीं पालघर, पुणे और सतारा में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलंदाना, चंद्रपुर और गढ़चौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वासिम और यवतमाल में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में भी मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने सौराष्ट्र क्षेत्र सहित पूरे गुजरात में कई स्थान में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं बता दें अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात, विदर्भ, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायसीमा में हल्की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।